सो गाइस 8 बजने वाले हैं, अब हम चलेंगे। रेस्ट कर लिया बहुत देर हमने, एक घंटे ज़्यादा हो गए, एक घंटा दस मिनट रेस्ट। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सोना मनाया लिख रखा है। दिन में हमने चालू करी थी और अब रात हो गई। आराम से कर रहे हैं भाई, आराम से कर रहा है, ज़्यादा नहीं आराम से हो रही है, बहुत आराम से कर रहे हैं, ज़्यादा आराम से हो रही है, इतनी आराम से करने की नहीं थी। ये गलत बात है तेरी वजह से हुआ है। वो क्या होता है? सो गाइज अभी हम हिमकोटी मार्ग से जा रहे हैं और यहाँ पर ढलान ही ढलान है, तो हिमकोटी वाला रास्ता ही आप भी लो। अभी तक तो ढलान मिली हमें, 200-300 मीटर हो गया हमें चलते हुए, वहाँ लाइन चलती हुई। गाय यहाँ माइक में चलता रहता है, अभी आरती वगैरह हो रही है। जय माता दी। ये गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे। ओ ऐसा ऐसा चार चार गाड़ी, दिस इज कॉल्ड रिडिकुलस। ओहो ड्राइवर बदल रही है, तो पार्टी बदल लिया। हम सत्य भोजनालय पे, हालांकि हम खाने के लिए रुके नहीं, आपको दिखाने के लिए रुका हूँ मैं कि काफी लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं। जयकारा चेहरा वाली दाए। हिमकोटी ढोसा पॉइंट पे आ गए हम। सो गाइस यहाँ पर डिस्पेंसरी भी है हिमकोटी में, और यहाँ पे एक और चेक पॉइंट है, चेकिंग होती है एक बार। और जय माता दी, जय माता दी। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे थे और अब हम यहाँ हैं, भोजनालय साकेत। सो गाइस पार्वती भवन है ये, और ये देखो माता का भवन। सागर रत्ना डोमिनोज, खाने पीने सुविधा यहाँ है। गाइस सब आपने यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत देखी होंगी नवरात्र में, हम नवरात्र के बाद बना रहे हैं। शुभ नवरात्रि, अब भी सजा हुआ मिला हमें। सो गाइस हमें यहाँ देखा भैरव बाबा की, आगे लाइन हो गई है दर्शनों की, पर लाइन चलती जा रही है। पापा ही सजा हुआ तो मिल गया हमें, वही थी बस, हम सोच रहे थे सजा हुआ नहीं मिलेगा। जय माता दी। फूलों में भी जान है अच्छी। क्या कह रहे हो पापा जी, क्या याद रहेगा? जैसे मान लो कि हम जब वहीं पे नहाते लाइन में लग जाते हैं, हाँ दर्शन करो जाओगी भैया, हाँ हाँ। आप पहले घूमो, अभी हम घूम रहे हैं, पता लगा रहे हैं कैसे कैसे क्या है, तहकीकात कर रहे हैं, पता रहना चाहिए कि क्या चीजें क्या नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं तो सपना सा लगेगा कहाँ गए थे। सो गाइस भवन के हम काफी नजदीक हैं। सो गाइस स्काई वॉक में ज्यादा भीड़ नहीं है, लाइन चलती जा रही है, और ये देखो कितना अच्छा सजा हुआ है माता का भवन, ये देखिए। पापा जी मम्मी जी वरुण जी यहाँ पे, बड़ी उम्र। बहुत ही अच्छा नजारा, वाह भाई वाह। सो गाइस बिल्कुल अच्छे से सजा हुआ है, मजा आ गया। जय हो बजरंग बली, जय हो जगन्नाथ, जय माता, जय माता। अब बहुत मेहनत हो गई है, चल जल्दी बस दर्शन हो जाए एकदम बढ़िया, कुछ रहने की व्यवस्था हो जाए पहले।
जय हो गणेश महाराज, जय श्री राम, जय हनुमान। गाइस भीड़ लाइन स्काई वॉक में, अब वाह सर अब क्या सजा हुआ, वही वाह मजा आ गया। जय हो शिव बाबा। बैटरी 20% है, चलो कोई नहीं हो जाएगा। पूछने जा रहा हूँ गाइस कोई रूम वूम अवेलेबल हो आरती के साथ या कोई भी जो भी चीज़ है। भाई साहब काली का भवन में हूँ मैं, बस अब यहाँ रहने की सुविधा वाली बात है गाइस बन नहीं रही कुछ, देखते हैं या तो ऐसे ही सोना पड़ेगा दुर्गा भवन में जैसे ही सब सो रहे हैं, या देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सो गाइस रेस्ट करने के लिए हमें अब ऐसे ही कंबल लेने पड़ेंगे, जैसे सब लेट रहे हैं ऐसे ही लेटने पड़ेंगे, यही है लास्ट ऑप्शन, और तो कुछ नहीं। रजाई ले आए थे हम यहाँ पे, रजाई नहीं कंबल लाए थे, कंबल। कितने कंबल हैं टोटल, कितने 5 और 3 8 कंबल लाए हैं। इस 3:24 हो गए हैं, हम अभी जग गए हैं, लोग बाग अभी भी ऐसे सोए हुए हैं। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, जय माता, चलो भाई। इतनी भीड़ हो रही है 3:30 पार्वती भवन में स्नान करेंगे, चलो जी। तो गाइस यहाँ से हमने पार्वती भवन से लॉकर लिया है, 208 नंबर मिला है हमें, 100 रुपये सिक्योरिटी है। जय माता दी। हम ना तो रेडी हो रहे गाइस, अब जा रहे हैं हम दर्शन करने, दर्शन करने के बाद मिलेंगे आपसे, ठीक है गाइस। मजा आ गया, बहुत चिल्ड पानी था। सो गाइस हम दर्शन करके आ गए हैं, बैग हमने ले लिए अपने पार्वती। सो गाइज दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए, एकदम पावन दर्शन हुए, जिसे बोलते हैं ना आनंद हो गया, दिल खुश हो गया। लगभग हमने दर्शन करे थे आपको बता दें 4:30 के आसपास हम एंट्री, और लगभग हम 30 से 35 मिनट में दर्शन करके आ गए थे गाइज। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, एकदम दिल खुश हो गया। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप अगर कभी भी जाते हो ना तो कोशिश करना कि जो अर्ली इन द मॉर्निंग का समय ना 3 से 4:30 के आसपास तक का, इस समय आप दर्शन करने जाओ। इस समय एक तो सबसे मेन बात यह है कि आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, दर्शन बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे, आनंद हो जाएगा आपका दिल, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है गाइस। और हाँ ज़रूरी बात यह है कि कभी भी आरती होती है तो आरती के समय आप लाइन में ना लगिए, क्योंकि जब तक आरती समाप्त नहीं हो जाती वो आपको अंदर एंट्री नहीं करने देते।